महाभारत के सबक। कभी मत करो यह 14 काम। युधिष्ठिर की तरह जुआ मत खेलो। कर्ण की तरह दुष्ट का एहसान मत लो। धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मुंह में मत पढ़ो। द्रौपदी की तरह अनुचित जगह मत हंसो। भीष्म की तरह अनुचित प्रतिज्ञा में ना बधो। द्रोणाचार्य की तरह अर्ध सत्य पर विश्वास मत करो। पांडु की तरह काम के वशीभूत मत बनो। गांधारी की तरह नेत्रहीन का अनुसरण मत करो। कुंती की तरह अनुचित प्रयोग मत करो। दुर्योधन की तरह अनाधिकार हठ मत करो। दुशासन की तरह नारी का अपमान मत करो। अश्वत्थामा की तरह अनियंत्रित मत हो जाओ। परीक्षित की तरह क्रोध में अनुचित कार्य ना करो। शल्य जैसे हतोत्साहित करने वाले की संगत में मत रहो। यह 5 काम अवश्य करो। कृष्ण की तरह धर्म का साथ दो। विदुर की तरह स्पष्टवादी शुभ चिंतक बनो। अभिमन्यु की तरह वीर बनो। घटोत्कच की तरह धर्म कार्य में हर्ष से बलिदान दो। अर्जुन की तरह अपनी बागडोर भगवान के हाथों में सौंप दो। इन उपरोक्त बातों का सार। अधर्म और अत्याचार होते हुए देखकर जो लोग सर झुका लेते हैं उनके सिर एक दिन अवश्य कटते हैं। महाभारत इस बात का साक्षी है। भुलाकर गीता का ज्ञान मानवता सदाहारी है। इसलिए संसार में कहीं ना कहीं महाभारत जारी है। हमारे जीवन की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। मैदान को छोड़कर कभी कोई जंग नहीं जीती जाती, लड़ना पड़ता है। महाभारत की तरह कभी अपनों से, कभी परायों से, तो कभी खुद से ही। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।